So, a very good morning to all of you. Today we will continue the chapter Motion in a Plane, and we will learn and understand about projectile motion. Or projectile motion do type ka hota hai, horizontal projection and angular, vertical, oblique projection. We will also study about uniform circular motion. So, sabse pehle horizontal projectile motion ya projectile motion kya hota hai? Theek hai? Projectile motion. Projectile motion, when a body is thrown with the initial velocity and then allowed to fall under the effect of gravity is known as projectile. Is known as projectile motion, and the body thrown is known as projectile. The path followed by the projectile is known as trajectory. Okay? तो जब भी हम किसी body को कुछ initial velocity के साथ फेंकते हैं, अब वो चाहे आप वो हॉरिजॉन्टल के साथ फेंको, ठीक है, या वर्टिकल के साथ या किसी भी एंगल पे फेंको, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन ही बोलते हैं. उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल. याद रखना कि हमने उसको रिलीज नहीं करना है, हमने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ ही उसे फेंकना है. ओके, अदरवाइज वो प्रोजेक्टाइल नहीं बनेगा. इज दैट क्लियर? If a body is thrown with some initial velocity and then allowed to fall under the effect of gravity, ठीक है, along the horizontal, या तो हम उसको horizontal के along फेंके या at some angle to the horizontal, then the motion is known as projectile motion. और जो body हम फेंकते हैं उसको हम projectile बोलते हैं, और जो path followed करता है वो projectile, उसे हम trajectory बोलते हैं. ठीक है, example, when a football is kicked, फुटबॉल इज द प्रोजेक्टाइल, फुटबॉल बिकम्स अ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, ओके, जेवलिन थ्रो में जेवलिन बिकम्स अ प्रोजेक्टाइल आफ्टर रिलीजिंग. ओके, तो ये दो टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, नाम से पता चल रहा है हॉरिजॉन्टल, एंड सेकेंड इज एंगुलर ओब्लीक. तो हम पहले हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे. ये डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या बता रखा है देखो, हमने क्या किया, एक बॉडी को हमने ओ पॉइंट से, जो कि एच हाइट पर है ग्राउंड से, ये ओ पॉइंट एच हाइट पर है ग्राउंड से. ओके, तो हमने ओ पॉइंट से एक बॉडी को, लेट अस कंसीडर अ बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी यू फ्रॉम पॉइंट ओ विच इज एट अ हाइट एच अबव द ग्राउंड. ये ओ पॉइंट जो है ग्राउंड से एच हाइट पर है, ठीक है, हमने इसको फेंका है विथ कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, यू एक्स इज इक्वल टू यू. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यू वाई है वो कितना है, जीरो. यू वाई कितना है, जीरो. अब होगा क्या, शुरुआत में तो वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग थोड़ी देर तक चलेगी, बट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये ऐसा पाथ ट्रेवल करेगी. ठीक है, ओ पॉइंट से चली थी, ए पॉइंट पे आके टकराएगी, और ये क्या हो गया इसका, हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर. ठीक है, तो हमने मान लिया कोई भी एक पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है इस प्रोजेक्टाइल का, ये है पी पॉइंट. ठीक है, अब इस पी पॉइंट पे हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वहां से हम एक्स का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वाई का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और यहां पर जो वेलोसिटी है इनिशियली यू थी, यहां पर जो वेलोसिटी है वो वी मान लेंगे हम. ठीक है, V stands for final velocity. अब इसके दो component कर लेंगे, Vx और Vy. और यहाँ पे दिखा देंगे हम V. ठीक है, और ये जो angle बना रहा है horizontal के साथ वो है बीटा, ये B नहीं है, ये है बीटा. ओके, और A point वो point है जहाँ पर अर्थ पे स्ट्राइक कर रहा है वो projectile. तो हमें कुछ terms निकालनी है. सबसे पहले हमें निकालनी है trajectory of the projectile, या इसको equation of motion भी बोलते हैं. अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर.
ठीक है। अब होगा क्या इसमें, यू एक्स यू के इक्वल है, यू वाई जीरो है, ए एक्स जीरो बिकॉज एक्स के अलोंग हम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, और ए वाई, ए वाई प्लस जी है। अच्छा ये याद रखना, जब हम एक बॉडी को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो माइनस जी, तो उस पर जो एसेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो माइनस जी है, बिकॉज अर्थ अपनी तरफ खींच रही है और वो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो प्लस जी, और यहाँ पर बॉडी हो क्या रहा है, ओ पॉइंट पर है, ओ पॉइंट से ग्राउंड पे आ रही है तो नीचे की तरफ आ रही है, इसीलिए हमने प्लस जी लिया। तो ये वैल्यूज अगर याद रहेंगे तो इक्वेशन बड़ी आसान है। अब हम पहले निकालेंगे एक्स के अलोंग, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ये निकाल रहे हैं हम। तो एक्स की जगह एक्स माइनस एक्स नॉट, यू एक्स टी प्लस हाफ, ए की जगह ए एक्स, क्योंकि हम एक्स के लॉन्ग निकाल रहे हैं, टाइम एक्स के लॉन्ग भी वही रहेगा और वाई के लॉन्ग भी। हम पुट कर देंगे वैल्यूज, एक्स नॉट की वैल्यू भी जीरो होगी क्योंकि इनिशियल पोजिशन हम जीरो मान रहे हैं, और वाई नॉट की वैल्यू भी जीरो, ठीक है। तो पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना, यू एक्स की वैल्यू u, यू टी, और ए एक्स की वैल्यू जीरो है, ए एक्स की वैल्यू जीरो है, तो यहां पर आ जाएगा जीरो। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां से t का फॉर्मूला निकाल लेंगे, x अपॉन u, डन। तो हमारा t का फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम y एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, ठीक है। देखो वो कैसे निकालेंगे, अब हम ये हमारा हो गया, देखो x माइनस x, x नॉट की वैल्यू जीरो पुट कर दी हमने, तो x नॉट की वैल्यू जीरो पुट कर दी, यू एक्स की वैल्यू यू पुट कर दी, t की जगह t, हाफ ए एक्स की वैल्यू जीरो है तो जीरो पुट कर दिया, तो t की वैल्यू आ गई x अपॉन u। अब हम क्या करेंगे, मोशन अलोंग y एक्सिस निकालेंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ओके। तो अगेन s की जगह y माइनस वाई नॉट, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यू वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो, वाई नॉट की वैल्यू भी जीरो है, तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू हाफ ए वाई की वैल्यू जी, ठीक है, और टी स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू हाफ जी, फिर हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इसको हम पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ओके। ये क्योंकि जी हमारा कांस्टेंट है, यू भी हमारा कांस्टेंट है, बिकॉज इनिशियल हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट वेलोसिटी है हमारे पास, तो जी भी कांस्टेंट, हाफ भी कांस्टेंट, यू भी कांस्टेंट। तो अगर ये सारे हम कांस्टेंट माने, जो के की वैल्यू है जी अपॉन टू यू स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो क्या पता चलता है यहाँ से, हैंस द ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय द बॉडी इज पैराबोलिक, विल बी पैराबोलिक। नेक्स्ट हमने निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, जितने टाइम के लिए वो प्रोजेक्टाइल हवा में रहा है, कहाँ से कहाँ तक रहा है। ओ से हमने रिलीज किया है और ए पॉइंट पे आके ग्राउंड पे टकरा गया है, तो ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, ओ से लेके ए तक का टाइम, सॉरी। तो हमने यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सिंबल कैपिटल टी होता है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम क्या कर रहे थे, हम पी पॉइंट पे मान रहे थे, लेकिन पी पॉइंट पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं देगा, तो हमें कहाँ से कहाँ टाइम निकालना है, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक निकालना है। तो हम पूरा यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे, तो
क्या कर लेंगे अगेन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वाई के लॉन्ग, तो y के लॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, y की वैल्यू हो जाएगी h, ठीक है ओके। तो y माइनस y नॉट इज इक्वल टू यू वाई टी, और यहां पे t की जगह कैपिटल T आएगा बिकॉज हम पूरा कंप्लीट टाइम निकाल रहे हैं, हम p तक का टाइम निकाल रहे हो। तो y नॉट की वैल्यू जीरो, यू वाई की वैल्यू जीरो, हाफ ए वाई टी का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा y जीरो प्लस हाफ जी टी का स्क्वेयर, ठीक है। तो वाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, एच हाफ जी टी स्क्वेयर, और यहां से हम कैपिटल टी स्क्वेयर निकालेंगे, कितना आ जाएगा टू एच अपॉन जी, और अगर हम स्क्वेयर को वहां लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो अंडर रूट। So this is your formula, root 2h upon g, ठीक है डन। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ट्रेजेक्ट्री आ गई, ठीक है। अब लास्ट रह गए हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल। ये जो हॉरिजॉन्टली मतलब उसने फेंका यहां से था, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना, ए पॉइंट पे आके गिरा है, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके आर इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बेसिकली डिस्टेंस है, ये क्या है डिस्टेंस है ओके तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, जैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड कौन सी, द स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, तो यू एक्स, और टाइम कितना, बिकॉज हम ए पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पूरा टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यू एक्स इंटू कैपिटल टी, तो देखो यहां पर तो कैपिटल आर हो गया हमारे पास यू एक्स इंटू कैपिटल टी, यू एक्स की वैल्यू कितनी है यू, कैपिटल टी की वैल्यू अभी हम निकाली है हमने टू एच अपॉन रूट जी, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। लास्ट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी, चाहे यहां इस पॉइंट पे निकालनी हो, इस पॉइंट पे निकालनी हो, इस पॉइंट पे निकालनी हो, तो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। कैसे करेंगे, हमें पता है जो vx है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है दोनों की ना, तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस at, तो हम क्या करेंगे पहले vx निकालेंगे, vx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ux प्लस ax T, ठीक है। तो यू एक्स की जगह यू एक्स की वैल्यू यू, ए एक्स की वैल्यू जीरो है, तो वी एक्स की तो आ गई यू। सिमिलरली हम वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी निकालेंगे, तो वी वाई की वैल्यू आ जाएगी जी टी। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में एंगल कितने का है, 90 का एंगल है, कोस 90 यहां पुट करेंगे हम, यहां पे थीटा को पुट करेंगे 90, बिकॉज वी एक्स और वी वाई में एंगल कितना है, 90 का एंगल है, तो cos 90 जीरो होता है, तो क्या रह जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, वी वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास v आया u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर और होल का अंडर रूट, और जब एंगल निकालेंगे डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, तो डायरेक्शन निकालेंगे तो वी वाई अपॉन वी एक्स इज इक्वल टू जी टी अपॉन यू, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक अपना, अच्छा थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा दूं दोबारा से एक बार।
When the velocity of an object is measured with respect to an object which is at rest or in motion, the velocity measured is known as relative velocity. अब हमने दो ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कर लिया. देखो एक है वेक्टर वी ए, एक है एक की वेलोसिटी है वेक्टर वी बी. लेकिन सबसे पहला जो आपका काम है दोनों को सेम डायरेक्शन में लेके आना. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव वेक्टर यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव वेक्टर. ठीक है, देखो कैसे ये इसको रोटेट कर लिया. अब वी बी से क्या बन गया, माइनस वी बी बन गया. ठीक है, अब हमने इसको जोड़ दिया और हमने क्या कर दिया, एक ट्रायंगल ला लगाएंगे. देखो रिजल्टेंट वेक्टर वी ए माइनस वी बी, मैथमेटिकली दिस. तो इसका मतलब जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो वो माइनस होंगे, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हम माइनस करके निकालेंगे. ठीक है, अब देखो, अब हम इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन द, जैसे ये है सेम, इसको रोटेट करेंगे माइनस वी बी बनाएंगे. अब हम पैरेललोग्राम ला से करेंगे इसको ना, इसको हम बढ़ा देंगे ऐसे. ये हमने बना लिया ऐसे एंगल, ये रिजल्टेंट हो गया, ये एंगल्स हो गए और ये हमने ऐसे निकालने. ठीक है, याद ध्यान रखना कि वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा. जो एंगल आता है वो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो लेना है आपने, ये ध्यान रखना. यहां पर जो दोनों वेक्टर्स है वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी, इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है, अल्फा नहीं है, अल्फा इनके बीच का एंगल नहीं है. ठीक है, 180 माइनस थीटा, बट जो कंप्लीट एंगल है वेक्टर वी ए और वेक्टर वी बी के बीच में वो लेना है आपने. ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया. उसके बाद हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं टेंजेंट थीटा से. ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है माइनस करनी पड़ेगी, और जो अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस करनी पड़ेगी. बेसिकली हम जब रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हम दोनों को पहले सेम डायरेक्शन में बनाते हैं. अब आ रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, ये मैंने पढ़ाई दिया आपको इक्वेशंस. तो सबसे पहले देखो, अब हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं. इसमें हमने क्या किया, हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया ओ पॉइंट से एट एंगल थीटा, या कुछ भी एंगल हो सकता है. ओके, देखो आगे एनिमेशन में, ये एंगल थीटा नोट, इसने थीटा नोट लिया है, आप थीटा भी ले सकते हो. अच्छा, ये मान लो एक पॉइंट है ए और ये मान लो एक पॉइंट है बी. ओ से लेके ए तक ऊपर जा रहा है ना, तो ए की वैल्यू माइनस जी, और ए से बी तक नीचे जा रहा है तो ए की वैल्यू प्लस जी. दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया इसको. वी नोट, आपको अगर ये वी नोट मुश्किल लग रहा है तो आप इसमें यू ले सकते हो इनिशियल वेलोसिटी, और एंगल थीटा नोट लग रहा है मुश्किल तो थीटा ले सकते हो बस सिंपली. नोट्स में यू और थीटा सही कर रखा है इजी करने के लिए. तो यहां पर आ जाएगा वी नोट साइन थीटा नोट की जगह यू साइन थीटा, और वी नोट कोस थीटा की जगह यू कोस थीटा. तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, अगेन एक्स नोट वाई नोट की वैल्यू जीरो. अच्छा, अब यू एक्स कितना हो जाएगा, यू एक्स यू कोस थीटा, यू वाई यू साइन थीटा, अगर आप यू और थीटा ले रहे हो तो. एक्स नोट जीरो है अभी भी, वाई नोट जीरो है, और ए की वैल्यू हम क्या लेंगे, ए एक्स भी जीरो है इस वक्त, और ए वाई की वैल्यू आएगी माइनस जी, क्योंकि हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं, एक पॉइंट ले लेंगे यहां पर, और यहां पर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो माइनस जी आएगा, और ए एक्स के साथ जीरो आएगा.
तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अगेन काम हमारा वही है कि हमने टी की वैल्यू निकाल लेनी है। ये देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, अलग अलग पोजीशंस पे क्या क्या उसके इफेक्ट्स होंगे। देखो यहाँ पर देखो कंपोनेंट्स अपोजिट हो गए, यहाँ पर साइन थीटा ऊपर है और इस वाले में साइन थीटा नीचे आ गया, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट हो गया। द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट मतलब जो यू एक्स है वो कॉन्स्टेंट है, इसीलिए हमने ए एक्स जीरो लिया, बिकॉज जो एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी होती है। बट द वर्टिकल कॉम्पोनेंट रिड्यूसेस टू जीरो एट इट्स पीक ऑफ द पाथ। इस पॉइंट पर जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है बिल्कुल जीरो हो जाएगा एंड अगेन इंक्रीज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वी टी इज इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। यहां पर हर जगह आप वी नॉट की जगह क्या लोगे, यहां पर वी नॉट की जगह वी ले लेना और थीटा नॉट की जगह थीटा। दिस इज जस्ट टू मेक इट सिंपलर। आपको अगर इससे समझ में आ रहा है तो इससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। सेम ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे हम, क्या करेंगे हम अगेन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एस की जगह एक्स माइनस एक्स नॉट, u की जगह यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। अब मैंने बता दिया एक्स नोट की वैल्यू क्या है, जीरो। u x की वैल्यू अब u cos थीटा है क्योंकि प्रोजेक्टाइल एंगुलर प्रोजेक्शन है। t की जगह t प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू लेकिन अभी भी जीरो ही है, तो जीरो हो गया। तो x इज इक्वल टू u cos थीटा t, तो t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, तो फिर इसको पुट कर देंगे ऐसे ही, फिर y की भी निकालेंगे हम जैसे हमने पहले की है। तो ये हम निकाल लिया y का, तो y नॉट को जीरो पुट कर दिया और u y को u sin थीटा पुट कर दिया और a y की वैल्यू ली हमने माइनस जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगेन ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर रह जाएगा बस। तो ऑन सिंपलीफिकेशन दिस इज इट, ये जी थीटा नॉट वी नॉट आर कांस्टेंट, द अबव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स का स्क्वायर, तो द अबव इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो अगेन यहां पर भी प्रूफ हो रहा है कि जो प्रोजेक्टाइल है इट विल ट्रेवल अ पैराबोलिक पाथ। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखो मैक्सिमम हाइट निकालना है तो हमें करना पड़ेगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस। अब पहले थोड़ा सा इसमें डायग्राम थोड़ा चेंज करते हैं। ये जो डायग्राम है ये पॉइंट मैक्सिमम हाइट का है ना, तो इसको ले लेंगे हम एच एम। तो अच्छा, अब मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है। ये अगर मैं डायग्राम बनाऊं इस छोटा सा, यहां पर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पे वी जीरो है, मैक्सिमम हाइट तो इसी पॉइंट पर है ना, और यू वी जीरो हो गया माइनस, हमने फेंका है उसे वाई के अलोंग ना, तो कितना हो जाएगा यू साइन थीटा। और उसका स्क्वायर ठीक है इज इक्वल टू टू ए कितना हो गया माइनस जी क्योंकि y के लॉन्ग है, s कितना हो गया एच एम, तो एच एम का फॉर्मूला कितना हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, या वैसे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा
यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। उसके बाद आपने निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, इन्होंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला हुआ है, मैक्सिमम हाइट का देखो आगे है, ये मैक्सिमम हाइट ऐसे निकाली उन्होंने, देखो यहाँ पर hm इज इक्वल टू वी नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट अपॉन 2g, ठीक है, ओके। ये दो मेथड दिए उन्होंने, आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हो, एफ इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उससे भी ये फॉर्मूला आएगा, और अगर आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस यूज करते हो तो उससे भी ये फॉर्मूला आ जाएगा। मेन आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू वाई की वैल्यू कितनी है, तो उससे निकल जाएगा, दोनों से देखो सेम फॉर्मूला आ रहा है। डन, अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या करना है, अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें तो ये कंडीशन है, ये जीरो, ये ए और ये बी। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है ओ से लेके ए तक, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट जब वो ए से बी पे आ रहा है, ओ ए, ओ से लेके ए तक का टाइम और ए से लेके बी तक का टाइम, ठीक है। तो हमें पता है ये दोनों टाइम इक्वल होंगे, तो मान लो ये टाइम है स्मॉल टी, ये टाइम है स्मॉल टी, तो जो कैपिटल टी है टाइम ऑफ फ्लाइट वो किससे इक्वल हो जाएगा, टी प्लस टी, टू टी के इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, ओ से लेके ए तक का स्मॉल टी निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे हम स्मॉल टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वाई के लोगे ना, v की वैल्यू कितनी है ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर कितनी है जीरो, क्योंकि वह मैक्सिमम हाइट है जीरो, u की वैल्यू माइनस यू साइन थीटा, a की वैल्यू माइनस जी और t, तो इसको इधर ले जाएंगे हम, माइनस यू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस से माइनस कैंसल, तो टी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। फिर हम क्या करेंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या है, टू इंटू स्मॉल टी, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ जाएगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी। लास्ट है इसमें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगेन हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, ठीक है। अगर ये डायग्राम है यहां से यहां मूव कर रहा है तो ये है रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो आर का फॉर्मूला यू एक्स इंटू कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट, यू एक्स की वैल्यू कितनी थी यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वेयर, यू से यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू स्क्वेयर और जी अलग रख लेंगे हम इसको, और यहां पे आ जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये आर का फॉर्मूला, तो आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से, ये एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, स्टार्टिंग में जब मैथमेटिकल टूल्स आपको पढ़ाए थे तो वहां पर ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला है ये, तो यू स्क्वेयर अपॉन जी इंटू साइन टू थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके। अब इसमें क्वेश्चन आता है, ये स्पोर्ट्समैन एक एप्लीकेशन है इसकी, कि जब जेवलिन थ्रो होती है या जितने भी ऐसे जो फेंकने वाले जो गेम्स हैं वहां पर 45 का एंगल वो क्यों ट्राई करते हैं, क्यों जरूरी है 45 का एंगल, क्या क्या है इसमें 45 में,
क्यों ऐसा करते हैं। तो देखो हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 के एंगल पर फेंक पा रहे हैं, 45 एंगल फेंक पा रहे हैं, तो इट विल कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस विद मिनिमम एफर्ट। कैसे, देखो प्रूफ करके दिखाते हैं हम इसको। तो मेरा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट व्हेन वी रिलीज अ बॉडी एट 45 एंगल देन इट विल ट्रेवल द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। कैसे, और हम यही चाहते हैं बिकॉज जिसकी हॉरिजॉन्टल रेंज ज़्यादा होगी वही खिलाड़ी जीतेगा ना, जेवलिन थ्रो होती है, तो जिसका जो भाला दूर गिरता है, जिसका जेवलिन दूर गिरता है वही जीतता है। तो देखो हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं इसको, कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पे जो आर है ये मैक्सिमम कब होगा, किस पे डिपेंड करता है, साइन 2 थीटा पे, व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। तो साइन 2 थीटा 1 के इक्वल जब होगा, 1 कब होती है साइन की वैल्यू, साइन 90 पे, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से प्रूफ होता है आर आर मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल कितना होगा 45 विद द हॉरिजॉन्टल, और आर मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, यू स्क्वेयर अपॉन जी। तो ये तो हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये सारा डेरिवेशन है, देख सकते हो आप। अच्छा ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब मैं टॉपिक करा रहा हूँ, ठीक है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। वो कह रहा है कि जो रेंज है वो सेम आएगी अलग अलग एंगल्स के लिए। देखो कैसे, उसने तीन एंगल ले लिए, फोर एंगल्स, 45 प्लस अल्फा एंड 45 माइनस अल्फा। अगर हम इन दोनों एंगल्स की बात करें, 45 प्लस अल्फा, 45 माइनस अल्फा, तो इन दोनों के लिए रेंज सेम आएगी, ठीक है। इज 90 प्लस 2 अल्फा, 90 माइनस 2 अल्फा, अलग अलग के लिए सेम आएगी। देखो कैसे, द वैल्यूज ऑफ साइन 90 प्लस 2 अल्फा एंड साइन 90 माइनस 2 अल्फा आर द सेम एंड आर इक्वल टू कोस 2 अल्फा, क्योंकि 45 प्लस अल्फा, 45 माइनस अल्फा दोनों की वैल्यू सेम है और इक्वल है, ठीक है। देयरफॉर रेंजेस आर इक्वल फॉर एलिवेशन विच एक्सीड फॉर और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 बाय इक्वल अमाउंट्स, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ इट इज सेट टू हैव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी।